हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग करी, उस दिन हमारे मोहल्ले के हमसे कट गए कि ये हॉस्पिटल में जॉब करती है, अब इससे कोरोना हो जाएगा तो हमें भी हो जाएगा, सारे हमसे कट गए थे। एकदम एक लेटर निकाला और उस लेटर में लिख दिया कि आपको टर्मिनेट किया जाता है, और कोई उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ नहीं बताया गया कि क्यों उन्होंने ऐसा किया, बस एक लेटर आता है और हमारी जॉब निकाली। 1000 रुपए तक लिए हैं इन्होंने, पैसे ले रहे हैं मतलब भर्ती स्कोर बैठे हैं हमारे कॉलेज में, और हमें इतने ईमानदारी से काम करते हुए भी हमें निकाला गया है बाहर, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। अब ये बताइए हम किराए के मकान में रहते हैं या प्रदर्शन पर आए हैं, हम अपने बच्चों को देखें, इन्होंने ऐसे काम किया है हमारे साथ, अब इस बेस में हमें नौकरी मिलनी मुश्किल है, हम 47 के हैं, हमें नौकरी नहीं देगा कोई। 4 फैमिली लोग हैं, और मम्मी है, सिस्टर है, एक ब्रदर है, फादर मेरे है नहीं, और हमें बिना नोटिफिकेशन के निकाल दिया, कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं बताया, एंड मोमेंट पे हमें निकाला गया। अगर इस मोमेंट पे हम जॉब देखने के लिए जाएंगे तो जाएंगे भी कहाँ, और लास्ट मोमेंट पे कौन किसको रखता है। मोदी सरकार के पास कोट पैंट पहनने के लिए लाखों के उनके पास पैसे हैं, हमारी सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है उनके पास, करोड़ों के हेलीकॉप्टर में घूमने के लिए पैसा है, हमारे देने के लिए पास पैसा नहीं है उनके पास, इसलिए हम कहते हैं हमारी नौकरी दी जाए। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर यहाँ पर, जो कोविड में सारे हेल्थ वर्कर्स थे जिन पे फूल बरसाए गए थे, आज वही अपनी मांगे लेकर या बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं अभी मैं आपको बता दूं, क्योंकि पहले इन्हें कोरोना वॉरियर्स बताया गया और अब जो है इनको नौकरी से निकाल दिया गया। अब उन्हीं लोगों से हम बात कर लेते हैं और जान लेते हैं क्या कुछ है। तो सर, क्या बोल के आपको जो है निकाल दिया गया सरकार से? जी, मैं लगभग 14 साल से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। एक साल से काम कर रहे थे? 14 साल से मैम, और हमने कोविड में बहुत अच्छा काम किया मैम, हर चीज हमारे पे कोई दिक्कत नहीं थी। एकदम से इन्हें पता नहीं क्या हुआ, एकदम से सभी को, इन्होंने सभी जितने भी काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, उन सबको अस्पताल से बाहर निकाल दिया। शायद इसलिए निकाला कि ये लोग आउटसोर्स से कुछ पैसा खाना चाहते हैं, बाहर से उनको रखना चाहते हैं, जबकि हम लोग वेकेंट पोस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, हमारी पोस्टें अप्रूव्ड हैं सरकार से, लेकिन फिर भी सरकार बहुत ही मतलब हमारे आरआर नहीं बन पाए। हम बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कतें हमने इन 14 सालों में झेली, पर हम कोई हमें कोई। क्या नाम है आप? मेरा नाम क्रांति कुमार है मैम। किस पद पे थे? मैं मल्टी रिहैबिलिटेशन वर्कर के पद पे हूँ, जो विकलांगों के लिए काम करते हैं, विकलांगों को लाते हैं गाँव से और उनको उनके लिए विकलांगों के लिए आर्टिफिशियल लिम्ब वगैरह बनाते हैं, उन सब उनमें हेल्प करते हैं, उनकी थेरेपी करते हैं, उनको सही गलत बताते हैं किस तरह से रहना है, उनको फंक्शनल करते हैं बेसिकली हम लोग। तो हम लोग काफ़ी 14 साल से ये काम कर जो है आपको मतलब कह दिया कि बस धन्यवाद हो गया आप निकल जाइए। एकदम एक लेटर निकाला और उस लेटर में लिख दिया कि आपको टर्मिनेट किया जाता है, और कोई उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ नहीं बताया गया कि क्यों उन्होंने ऐसा किया, बस एक लेटर आता है और हमारी जॉब निकाल दी जाती है। जी, अभी और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयश्री है, राजकुमारी अमृत कॉलेज नर्सिंग से मैं हूँ। 6 साल मैंने जॉब की है और राजकुमारी अमृत कॉलेज प्रशासनिक कॉलेज है, इन्होंने इतना प्रताड़ित किया है, 5-6 साल होने के बाद भी हमने इनका सहन किया है जो हमारे साथ इन्होंने किया है। 6 साल हमने जॉब करी है और इसके बाद भी हमें कॉन्ट्रैक्ट इसमें 5-6 साल से हमें निकाल दिया गया है। क्या कह के आपको निकाल दिया गया? कोई रीजन नहीं दिया? कोई रीजन नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दिया, हमें निकाल दिया कॉलेज से, मतलब निकाल दिया कि अब बस आपका काम खत्म, चलिए खत्म और आप बाहर बैठो। बुलाया था तब क्या क्या बोल के आपको बुलाया था? कुछ नहीं करते, नहीं बुलाया हमें, हम रखा था जब बाहर निकालने का, हमें 6 साल तक रखा था, इसके बाद नहीं रखा। इसका भी साफ साफ बता दिया जाए, क्या क्या कुछ रहेगी आपकी? आप लोगों को ही निकाल, मैडम हम चाहते हैं कि हमें नौकरी दोबारा दी जाए, हम वही नौकरी करना चाहते हैं राजकुमारी अमृत कौर में ही। आपने बच्चे हैं? जो पैसे लिए मेरे मैम, एक लड़का है, पैसे उनसे लिए जाएंगे, मतलब अपने बंदे, हस्बैंड है मेरा, वो कैंसर से पीड़ित है, अपने ही बंदे सर से पीड़ित है, अपने बंदे लगाए ऐसे हम, अब ये बताओ ऐसे में हम नौकरी कहाँ ढूंढने जाएं? हमें कोई नौकरी देगा? अच्छा, हमें नौकरी नहीं देगा, हमारी अभी तो कोरोना खत्म भी नहीं हुआ। हाँ जी, कोरोना अभी भी खत्म नहीं हुआ है और फिर भी आप लोग, हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ, हमें फिर भी निकाल दिया गया है। 47 की एज है, हमें नौकरी ढूंढी कहाँ जाए इतनी एज में? सबको पता है कि पैसे का ही खेल है। अभी देखा आपने कैसे हमने उनसे पूछा, उनके बच्चे भी हैं, कैसे इनका घर चलेगा? अभी और लोगों से हम बात कर रहे थे। क्या नाम है आपका? संगीता। संगीता, हाँ। किस पद पे थे आप?
MTS किस हॉस्पिटल में थे? LHMC क्या कह के आपको लोगों को निकाल दिया? ये हमें यहाँ पे कोविड के लिए रखा था, ये यूज एंड थ्रो वाली बात हो गई, जब हमें जरूरत थी तब हमें रखा और उसके बाद हमें बिना नोटिफिकेशन के निकाल दिया। कोई नोटिस भी नहीं दिया? नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया हमें। फूल बरसाया और आपको अवार्ड दिया और निकाल दिया जी। क्या आपकी सैलरी रहती थी? क्या है कितना फैमिली लोग हैं? हम चार फैमिली लोग हैं और मम्मी है, सिस्टर है, एक ब्रदर है, फादर मेरे है नहीं, और हमें बिना नोटिफिकेशन के निकाल दिया। कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं बताया, एंड मोमेंट पे हमें निकाला गया। अगर इस मोमेंट पे हम जॉब देखने के लिए जाएंगे तो जाएंगे भी कहाँ, और लास्ट मोमेंट पे कौन किसको रखता है? कोई नहीं रखता। हमें कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया, या आप अपना जॉब कहीं और देखो या कुछ इस तरीके से, कोई टाइम नहीं दिया गया, कोई टाइम पीरियड नहीं बताया गया। क्या कुछ घूसखोरी टाइप भी चल रही है? अभी वो बता रहे थे कि पैसा लेके, हाँ कॉन्ट्रैक्टर ये चेंज हो रहा है, लोग आ रहे हैं, उनसे नए पैसे लेके हम लोगों को निकाला जाएगा और हमारी जगह उनको लिया जाएगा। 2000 तक रुपीस लिया है इन्होंने, 20,000 रुपए तक लिए हैं इन्होंने, पैसे ले रहे हैं, मतलब भर्ती घूसखोर बैठे हैं हमारे यहाँ कॉलेज में, और हमें इतने ईमानदारी से काम करते हुए भी हमें निकाला गया है बाहर, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। अब ये बताइए, हम किराए के मकान में रहते हैं, ये प्रदर्शन पर आए, ये हम अपने बच्चों को देखें, इन्होंने ऐसे काम किया है हमारे साथ। अब इस देश में हमें नौकरी मिलनी मुश्किल है, हम 47 के हैं, हमें नौकरी नहीं देगा कोई इस टाइम पर। चलिए अभी और भी लोगों से बात करते हैं, और भी महिलाएं हैं। किस तरीके से आपने देखा कि उनके फैमिली है, परिवार है, उस लोगों को वो चला रही हैं? किसी के फादर नहीं है, किसी के हस्बैंड है तो वो कैंसर से पीड़ित है। अभी और भी लोगों से जानते हैं, क्या नाम है आप? सरोज। क्या क्या था आपका परिस्थिति? किस हॉस्पिटल में थी और क्या पद था? लेडियाडिंग में, लेडियाडिंग में। अभी मतलब क्या क्या कुछ हो गया, क्या बोल के आप लोगों को जो है सीधा डायरेक्ट? कुछ नहीं बोला उन्होंने, 1 तारीख से तुम्हारी जॉब खत्म हो गई, अब आगे से मत आना। आगे से मत आना मतलब पहले रखा और अब जो है लात मार के निकाल दिया। तो इसलिए हम कोविड, हम ड्यूटी करते थे कोविड के टाइम, तो हमारे पास पड़ोस बात करना भी पसंद नहीं करते थे। जब आपको रखा गया था तो कैसी मतलब व्यवस्था थी उस टाइम पे, क्या था सिचुएशन जिस सिचुएशन में आपको रखा गया था? उस टाइम बहुत कोविड था मैम, उस टाइम में आस पड़ोस तो दूर रिश्तेदार भी अपने बोलना चालना पसंद नहीं करते थे, सोचते थे कोविड घर के अंदर ना आ जाए। फिर उस टाइम भी हमने काम करा, घरों से भी बाहर रहते थे उस टाइम पे। उस टाइम हम कितने बच्चे हैं? हम 4-5 जने हैं। 5 जने हैं आप फैमिली में, कौन घर चलाता है? हम चलाते हैं। आप चलाती हैं, कितना मिल जाता था आपको? 17,500 थे, उससे आपका घर चलता था। अब जो है घर बिल्कुल, घर जो चला नहीं पा रहे, ठप हो गया है सब। तो इसलिए हम कहते हैं मोदी सरकार के पास कोट पैंट पहनने के लिए लाखों के उनके पास पैसे हैं, हमारी सैलरी देने के लिए पैसा नहीं उनके पास, करोड़ों के हेलीकॉप्टर में घूमने के लिए पैसा है, हमारे देने के लिए पास पैसा नहीं उनके पास। इसलिए हम कहते हैं हमारी नौकरी दी जाए। देखिए किस तरीके की समस्याएं हैं, घर चला रहे हैं, 5-5 बच्चे हैं, अभी और भी हैं महिलाएं। आपका नाम क्या है? काजल। काजल जी, आप कौन से हॉस्पिटल में काम करते हैं? लेडी हार्डिंग। लेडी हार्डिंग में आपको भी निकाल दिया गया जी, सेम सिचुएशन। तो क्या क्या समस्या बोल के आपको निकाल दिया? कह रहे कि फंड नहीं है हमारे पास, फंड नहीं है, पीछे से इतना फंड आता, फंड नहीं है, सरकार के पास फंड नहीं है, यही बोल के हमारे पास फंड नहीं है, हमें तुम्हारी अब जरूरत नहीं है। पहले आप लोगों को जो है ऐसी समस्या में रखा गया कि इतनी समस्याएं आ रही थी, कितने कोविड के लोग थे, और अब जो है जरूरत है, कोविड खत्म होते ही आप लोगों को निकाल दिया गया जी मैम, कुछ बोला भी नहीं जाता है? नहीं मैम कुछ नहीं। क्या कुछ ऐसा घूसखोरी भी चल रही है? वही है मैम, हमें निकालेंगे, नया ऐप भर्ती करेंगे, फिर और क्या करेंगे, फिर उनसे नया के भी बच्चे होंगे, फैमिली होगी? 2 बच्चे मेरे पास जी। फिर मतलब अब कैसे घर चल रहा है? घर तो मैम कैसे चलेगा, वो तो नौकरी नहीं है तो परेशान है इस नौकरी जाने से मैम। यस मैम, चाहती है नौकरी मिले जी। क्या क्या कुछ करेंगी अब जो नौकरी मिल जाए? अब क्या करें मैम, कर ही रहे हैं, बैठे हुए धरने पे, और क्या कर रहे हैं, 17-28 दिन हो गए धरने बैठे हैं, धूप में पूरी गर्मी के अंदर। आइए और भी लोगों से हम जो है बात करते हैं। क्या क्या नाम है आप? पिंकी। पिंकी पिंकी। क्या क्या कौन से हॉस्पिटल में काम करती? LHMC में। LHM में आपको भी ऐसे ही बोल के निकाल? हाँ जी, हम तो 31 मार्च तक आए थे जॉब पे,
कि 1 अप्रैल को आया तो बोले कि तुम्हारा तो अब जॉब नहीं है, रजिस्टर नहीं है हमारी एंट्री, तो अब जॉब पे मत आना। आपसे सीधा बोल के ऐसे निकाल दिया, मतलब शर्म भी नहीं आ रही है कि पहले ऐसी सिचुएशन में रखा और अब जो लात मार के निकाल। हाँ जी, हमने बोला कि सर ऐसे कैसे, पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था, आपने इन्फॉर्म भी नहीं करा। बोले हम क्या कर सकते, हमारे पास आगे से था नहीं कोई इन्फॉर्मेशन, तो हमने नहीं बोला अब नहीं आना। मतलब जो अधिकारी लोग है कंधे उचका के बोल देते हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। और हमने तो उसमें ज्वाइनिंग की थी 4 मई को करी थी हमने 2021 में। मैम उसमें ऐसा था, इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी कि जिस दिन हमने हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग करी उस दिन हमारे मोहल्ले के हमसे कट गए कि ये हॉस्पिटल में जॉब करती है, अब इसे कोरोना हो जाएगा तो हमें भी हो जाएगा, सारे हमसे कट गए थे। फिर भी हम अपने बच्चे का रिस्क लेके, अपने हस्बैंड अपने फैमिली का रिस्क लेके लेडी हार्डिंग में हमने काम करा। और आज ये बोल रहे हैं कि मिनिस्ट्री से ऑर्डर है कि हमारे पास फंड नहीं है, आप लोगों को 3 मंथ के लिए रखा गया था, अब आगे के लिए फंड नहीं है। अभी आप लोगों को निकाल दिया, वहाँ पे कौन लोग देख रहे हैं, फिर से कोरोना आ चुका है। अभी पुराने जो एम्प्लॉय थे वर्कर वही कर रहे हैं, अभी न्यू वैकेंसी नहीं ली है क्योंकि हमने केस डाल रखा है। फिर हम धरने पे ही मैम 1 अप्रैल केस डाला हुआ है आपने, 1 अप्रैल से ही मैम, हम आज 27 दिन हो गया कंटिन्यू आके, 27 दिन हो गया आप लोग धरने पे। मैम हम 10 बजे आ जाते हैं, शाम के 5 बजे तक जाते हैं, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, पड़ोसी लेके आते हैं, रिक्स रहता है कि भाई बच्चा घर पहुंचा नहीं पहुंचा, इतना रिक्स लेके हम यहाँ धरने। बच्चे हैं आप? मैम एक बच्चा है मेरा, एक लड़का है मेरा। घर में कमाते कौन है, हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं? जी हस्बैंड की प्राइवेट जॉब है मैम, आजकल पता है महंगाई इतनी हो रखी है कि एक की कमाई से घर। महंगाई की मार है कि नहीं? बहुत ज्यादा, आप देख ही रहो इतने दिन पे। ऐसे में आप लोगों को निकाल दे रहे हैं और बुलडोजर चल ही रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि हमें हटाने के बाद ये एम्प्लॉय नहीं रखेंगे, हमारे हटते ही नई एम्प्लॉय रखेंगे, ये एम्प्लॉय को रखा जाएगा क्योंकि वर्कर की ऑलरेडी कमी है अंदर। हम जब जॉब कर रहे थे तब भी कमी थी, अब हमारे निकलने के बाद तो और कमी हो गई मैम। वो पैसे लेने का ही इनका जरिया है और कुछ नहीं है। अब बोले कि तुम्हारे 3 महीने की थी, अब हटो यहाँ। 27 दिन निकल गए तो अब क्या कुछ रहेगा मैम, हमें तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हम तो यही चाह रहे हैं भाई हमारी सुनो, आपको किसी और से काम कराना है, हमारे पास इतने मंथ का एक्सपीरियंस है, हमें क्यों नहीं रखते हो, अब हमसे बात करो ना। हमसे बात भी नहीं की है हमने, 1 मई कोई भी अधिकारी बात करना नहीं, नहीं, नहीं। हम लोग 1 अप्रैल को गए थे 1 अप्रैल को बात करने के लिए, तो बोले हम आपको पहचानते नहीं, आप लोग कौन हो, मतलब रखा और अब पहचान भी नहीं, नहीं पहचान नहीं, बोले हम नहीं जानते आप कौन। इतना दोगलापन, इतना दोगलापन, इतना क्या क्या बोल सर। देखिए कैसे हमने पूछा, अभी क्या नाम है आपका? सोनिया खुराना। सोनिया जी, तो आप भी जो है मतलब कोरोना वॉरियर्स थी? हाँ जी। आपको भी रखा गया? हाँ जी। उसी सिचुएशन में जब बहुत अच्छा खासा कोरोना था, बड़े हुए थे, कैसे रखा था? कोरोना में रखा था, फिर निकाल दिया 31 मार्च को, हमें बोल दिया जॉब आपकी जरूरत नहीं है। ऐसे बोल के आप लोगों को निकाल दिया, कोई नोटिस नहीं, कोई काम में खामियां नहीं, कुछ नहीं, और बस कोई नोटिस नहीं, कोई कमी नहीं थी कि हमारे काम से कोई कंप्लेन आ रहा है। हमारे काम की कोई कंप्लेन नहीं था, कोई रीजन नहीं था निकालने का, सिर्फ इन्होंने ये कह के कि हमारे पास 3 मंथ का था आपका, तो अब हटा दो। मुझे तो ये पूछना चाहती हूँ, 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट हमें रखा था तो 11 महीने तक क्यों कराया हमसे, बाकी महीनों का फंड कहाँ से आया इनके पास हमें देने के? 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट था और 11 महीना और काम कराया, तो मैम हमें इस बीच जो दौरान जॉब भी मिल रही थी, ऑलरेडी हम एक जॉब पे थे तो दूसरा जॉब हम नहीं ले सकते थे, इस चक्कर में तो हमारा दूसरा जॉब भी गया, इससे भी उन्होंने निकाल दिया आपको, ना यहाँ का छोड़ा ना वहाँ का। तो हम अपने बच्चे, अपना घर, अपना परिवार कैसे चलाए, सरकार बताए ना हमें। सबसे बड़ी बात ये है ना मैम, अगर हमें निकाल के बिना जॉब का हमें कर रहा है तो दूसरे को रखेगा, उसे जॉब पे रखेगा, फिर हम तो बेरोजगार ही हो जाएंगे। बेरोजगार तो कर ही दिया है देश को, वही अब गर्व कीजिए, वही बात ना बोल, हिंदू राष्ट्र बना दिया है, गर्व कीजिए। ऐसी हिंदू राष्ट्र हमें नहीं चाहिए, भूखे पेट तो हिंदू राष्ट्र में करूंगी क्या? मुस्लिम ये लोग तो लड़वा के आपस में हिंदू मुस्लिम को हमें तो बेरोजगार बना के बैठा है। आपके बच्चे हैं? हाँ जी बच्चे, एक लड़की है मेरी, मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं ही कमाने वाली। अकेली कमाती हैं आप? और आज से मेरी लड़की की पेपर है 10th की, मैं उसे घर पे छोड़ के यहाँ आई हूँ। कितने साल की है आपकी बेटी? अकेले रहती है। कितने साल की? 15 साल 3 महीने की है, लेकिन फिर भी आजकल के समय में बच्चे को अकेला घर छोड़ा नहीं जा सकता, हमारी मजबूरी है कि हम आ रहे हैं। बच्ची को छोड़ के यहाँ प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है आपको, अपनी पेट की उसके लिए, उसकी एजुकेशन अच्छी हो, उसकी पढ़ाई अच्छी हो जाए, हमारे तरह तो वो संघर्ष ना करे ना। आज उसकी 10th की पेपर थी, मैं उसे स्कूल छोड़ के घर गई हूँ, फिर वहाँ से फिर मैं यहाँ आई हूँ।
धरने पर, लेकिन मैं डेली आ रही हूँ इसलिए क्योंकि हम लोगों को ले लिया जाए, हम लोग बैठे नहीं खाली। फूल बरसा दिए थे आप लोगों पे, हाँ अब हमें हमारे ऊपर फूल के जगह पे आप कांटे दे रहे हैं, कांटे बरसाए जा रहे हैं आसमान से। जी मैम आप तो बताओ हम लोग करें तो क्या करें, ये सोच हो रही है कि आगे हम अपने बच्चे को कैसे, क्या उसकी जरूरत मैं पूरी करूंगी, कैसे उसको पढ़ाऊंगी, किसके सामने हाथ फैलाने जाऊं। तो अभी आपने देखा किस तरीके से ये सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, घरों को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, किसी का हस्बैंड नहीं है तो किसी के हस्बैंड कैंसर से पीड़ित है, तो किसी की बेटी जो है 15 साल की है तो उसको छोड़कर, घरों पे छोड़कर ये यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हैं। आप देख सकते हैं सारी महिलाएं हैं, ये वही वर्कर्स हैं जिन्हें कोरोना वॉरियर्स बोला जा रहा था, इनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे, अब वही कांटे इन पे बरसाए जा रहे हैं, इनकी नौकरी छीनकर, इनके पेट पे लात मारकर। ये सत्ता में बैठी सरकार इस तरीके का दोगलापन कर रही है, यहाँ तक कि अब ये बता भी रहे हैं कि घूसखोरी की जा रही है। बाकी आप देख ही रहे हैं किस तरीके से ये बेचारे लड़ रहे हैं और यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब तक आप देखते रहिए जनहित आवाज़, नमस्कार।